गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो चुकी है एक फ्रेश फ्रेश वेदर के साथ। मैं पहुंच चुकी हूं अपनी गौशाला के पास फटाफट से काउ मिल्किंग के लिए, क्योंकि आज मुझे जाना है आंगनवाड़ी भी। वहां होगा मेजरमेंट बच्चों का, हाइट एंड वेट्स। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से अपना काम फिनिश कर लेती हूँ फिर, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप लगती है तो जल्दी से हम निकल पाए आंगनवाड़ी की ओर। मजा आ रहा? कुट्टी से चूल्हा उतार आ रहा हूँ। टिंगलिंग लिंग लिंग लिंग, मजा आ रहा है, हंस रहा है। खुला भी ना पांदे पछा रहा है हम थोड़ा रहा। हाँ, थोड़े से मजे तो ले, इतनी दूर से आए हुए हम धूप में। मजे पर लात ना खुबे रखने। इसे एक ये कहाँ से लाई? दादी ने दिया। उत्कर्ष भी खाएगा? इसको तो दांत ही नहीं है, पर बेचारा चार दांतों से कैसे खाएगा? इतना बड़ा कैसे खाएगी? कैसे खा लूँ? उत्कर्ष भी इसको खाने की कोशिश कर रहा है, कुछ बात नहीं बन रही है पर इसकी। चुकी शो योर टीथ, शो योर टीथ। शो योर टीथ, हम आपके दांत देखने के इच्छुक हैं, दिखाओ ना चिक्की। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर सुमन। तो दोस्तों, मैं चल पड़ी हूँ अपने खेतों में लकड़ियाँ लाने। लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है जलाने के लिए, तो मैं जा रही हूँ आज अकेले अकेले। समृद्धि को मैंने साथ लाना था पर वो गई है नानी के घर, तो अकेले चली है मेरी ड्यूटी आज। तो चलिए दिखाते हैं आपको आसपास का व्यू, जो कि है बहुत ही ब्यूटीफुल हमेशा की तरह। तो ये देखिए, थोड़ा अभी बारिश का मौसम हुआ है, सुबह अभी बारिश हुई है पर धूप भी लगी है और बादल भी छाए हुए हैं। और ये रहा हमारा वे, हमारा रास्ता जहाँ से हम प्रस्थान कर रहे हैं अपने खेतों की ओर। और क्या ही बोलूँ मैं, और बस ऐसा मौसम है, देख लीजिए आप खुद ही। और हवा चली है बहुत बढ़िया बढ़िया। गर्मी में अगर हवा चले ना तो इससे ज़्यादा आदमी क्या ही चाहेगा। गर्मी में बस हवा और पानी मिलना चाहिए इंसान को, तब आदमी खुश रहता है। अच्छा दिख रहा है, ये देखिए पहाड़ियाँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूं अपने खेतों में और मुझे मिल गया है एक जुगाड़ लकड़ी का, तो मैं दिखाती हूं आपको भी।
दोस्तों ये बांध दिया है मैंने अपना भार, ये काफ़ी भारी लग रहा है मुझे, मोटी मोटी लकड़ियाँ है ना इसमें पक्की, क्योंकि थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये मुझे कुर्सी मिल गई है यहाँ पे बैठ के, अच्छी जगह है इधर, उफ इस पर बैठते हैं पत्थर पर, कितना अच्छा है। तो पसीने छूट गए, आधा ही पेड़ काटा मैंने, इसी में हो गया मेरा भार। तो अभी 5 बजने वाले हैं, अब मुझे चलना होगा घर की ओर, शाम का डिनर भी तैयार करना है और उत्कर्ष को भी संभालना है।